मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं और ज्ञापन भी दे रहे हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम। जो हमारे उज्जैन धर्म स्थल पे महाकाल लोक में जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार शिवराज सिंह सरकार के नुमाइंदों ने किया है, उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हुआ, ये वही महाकाल लोक है जिसकी आधारशिला माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे 300 करोड़ दिए और आधारशिला रखी थी। 1.25 साल बाद हमारी सरकार गई और इन्होंने भगवान महाकाल को भी भ्रष्टाचार से नहीं छोड़ा। दूसरा, सतपुड़ा में जो एक शासकीय बिल्डिंग है जहां बहुत सारे विभाग भोपाल के अंदर संचालित होते, कोरोना काल से लेकर अभी तक तमाम भ्रष्टाचार, आयुष्मान कार्ड का घोटाला, नर्सिंग कॉलेज का घोटाला, कोरोना में करोड़ों करोड़ रुपए उन हॉस्पिटलों को दे दी जहां किसी का इलाज नहीं हुआ, वहां अनुसूचित जाति जनजाति के तमाम भाई बहनों के भविष्य को सुरक्षित रखने वाली योजनाओं, छात्रवृत्ति में भ्रष्टाचार करोड़ों अरबों रुपए का किया, वो सारी फाइलें जला के राख कर दी गई साजिश के तहत, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज जान गए थे कि अब मेरी सरकार जा रही है और यदि ये भ्रष्टाचार की फाइलें जिंदा रह गई तो मैं जेल की सलाखों में पीछे जाऊंगा। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ आदरणीय कमलनाथ जी के आह्वान पे हम लोगों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने